जिहाद के मामलों को रोकने के लिए कानून बना रही है। वहीं हरदोई में आज एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। दरअसल मामला शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है, जहां पर एक मुस्लिम युवक पर गांव की ही एक युवती ने जबरन धर्म परिवर्तन के दबाव बनाने और शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हरदोई के शाहबाद थाना क्षेत्र के गांव निवासी युवती ने एसपी के पास पहुंचकर शिकायत की है कि उसी के गांव का रहने वाला एक मुस्लिम युवक पहले शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक शोषण करता रहा और अब जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है। वहीं जब युवती ने शादी करने के लिए कहा तो पहले मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाया और न मानने पर लड़की की अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी भी दी, जिसके बाद पीड़िता ने एसपी के पास पहुंचकर मामले की शिकायत की और आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। युवती की शिकायत पर पुलिस ने रेप सहित जबरन धर्म परिवर्तन के दबाव का मामला दर्ज कर लिया है और लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है। सर, एक लव जिहाद का जो नया कानून बना है, इससे एक रिलेटेड मामला है, क्या है पूरा मामला और क्या पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है? देखिए, आज थाना शाहबाद क्षेत्र में एक जानकारी में एक मामला आया है, जिसमें कि जो वादनी है उन्होंने ये आरोप लगाया प्रार्थना पत्र देते हुए कि उनके गांव का ही एक व्यक्ति है जो जिनके साथ ये पिछले कुछ वर्षों से जो इनसे संबंध बनाता था, और जब इन लोगों ने शादी की बात की तो उसने ये कहा कि आप पहले मेरे धर्म में शामिल होइए, उसके बाद मैं शादी करूंगा, जिसका इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा कि हम धर्म स्वीकार नहीं करेंगे, तो उसके बाद उसने शादी करने से मना कर दिया। ये सब आरोपों को लिखते हुए इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है। इस प्रार्थना पत्र के आधार पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और जो प्रगति होगी उसके बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.